फरीदाबाद के कॉलेज के सामने दो छात्रों के गुटों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई। करीब 15 लड़कों ने सोनू नाम के एक लड़के पर हमला किया और उसका फोन छीन लिया, और उसे बचाने आए दो और छात्रों को भी हमलावरों ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया, जिन्हें आनंद फानन में बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। चाकू लगने वाले छात्रों में दो अग्रवाल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं और बाकी के छात्र बाहर के हैं। ये हमारे कॉलेज भी है, अग्रवाल गेट पे। अच्छा, किस बात को लेकर के? बात का कुछ पता नहीं, हम तो बस अपना कॉलेज आए हैं और वहाँ पे खड़े थे, 10-15 जने शुरू हो गया तो फोन लूटने लग गए, फोन निकाले, फोन लिए, फोन यार तमाचे लगाने, थप्पड़ वगैरह चालू कर दिए। अच्छा, और लोग इकट्ठे हो गए, ज़्यादा हो गए, अकेला घेर लिया, मुँह में मार लग गया, अरे ये सोचते अपना भाई बंधु है, बस जब बचाया हूँ इन्होंने, मेरे मामा का लड़का आया हो बचाने में, वहाँ के चक्कू मारे, एक मेरे चक्कू मारो पीछे, यहाँ हाथ में मार दियो। कितने लोगों को चक्कू लगे हैं इसमें? 2-3 जन के लगे। अच्छा, कौन लोग थे ये और क्या कोई रंजिश थी इसमें पुरानी? कोई रंजिश ना ही, कुछ भी मतलब ना हो कुछ भी। अच्छा, वैसे ही शुरू हो गया। अग्रवाल कॉलेज में पढ़ने वाले दो छात्रों के जो गुट थे उनको किसी बात को लेकर आपस में तनातनी हो गई और उसके बाद में दोनों गुटों में है मारपीट हुई है। इस मारपीट के अंदर दो छात्र हैं उनके चक्कू लगे हुए हैं और एक जो छात्र है उसके सिर में चोट लगी हुई है। जो घायल जो छात्र है उसके बयान पर हमने जो है तहरीर लिख ली है और जो अनुसंधान अधिकारी है वो मौके पर है और उसके बयान के अनुसार हम जो इसमें मुकदमा दर्ज करके और इसमें जो आगामी कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि झगड़ा उन्होंने नहीं बल्कि कॉलेज के छात्रों ने किया था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि एक छात्र को हिरासत में ले लिया गया है और उसके बयान पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुमताज खान के साथ धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, फरीदाबाद।